हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। देखिए, आज मैं आप लोगों के सामने ये बेबी का वुलन सॉक्स लेके आई हूँ और आपको उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगेगा। तो आइए, अपना टाइम वेस्ट किए बिना हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना है, ये देखिए, मैंने आपको बॉर्डर बनाना मैंने आपको बताया था। उसके बाद आपको जितनी लेंथ चाहिए सॉक्स की, मुझे इतनी चाहिए थी तो मैंने यहाँ पर 14-15 सिलाइयाँ चला ली है बॉर्डर के बाद, और 16 सिलाइयों का मेरा बॉर्डर है क्योंकि बॉर्डर हमने डबल किया है, तो इसके लिए मुझे 16 सिलाइयाँ लगानी पड़ी। और उसके बाद मैंने अपनी ये प्लेन 14 सिलाई चला ली है। अब हमने ये एड़ी बनाना है। सॉक्स में कुछ नहीं, बस यही इम्पोर्टेंट होता है। तो आइए, आप लोग ध्यान से देखिएगा इसके लिए हमें क्या करना है। और प्लीज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं 6 मंथ एंड 1 ईयर तक की बेबी के लिए आ जाएगा। तो देखिए, इसके लिए मैंने 20-20-40 फंदे मैंने इसमें लिए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 20 और 20, मैंने 40 फंदे लिए हैं और इतना अपना बॉर्डर से ऊपर प्लेन बना लिया है। अब हमने क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। ज़ीरो से इधर के 20 फंदे हमने आगे कर लेने हैं। देखिए, 20 फंदे हमने आगे कर लिए हैं और 20 फंदे हमारे पीछे हैं, ये देखिए। अब हमने क्या करना है, ये हमारी जो कैरिज है, कैरिज के हमने दोनों हुक पीछे कर देनी है। ये देखिए, मैंने अपने कैरिज की दोनों हुक यहाँ से पीछे कर लिए है। और अब मुझे क्या करना है, एक सिलाई मैं इधर चलाऊंगी और अब मैं इधर कैरिज लाई हूँ तो मुझे इधर का एक निडल आगे करना है। ध्यान से देखिएगा, इधर कैरिज लाई हूँ, इधर का एक निडल आगे कर दिया, फिर इधर ले जाऊँगी तो इधर का एक निडल आगे, फिर इधर का एक निडल आगे। और वेट हमने ऊपर लगा लेने हैं ताकि हमारे फंदे निकले नहीं। जिस साइड को हमारा कैरिज जाएगा हमने उधर का एक निडल आगे कर देना है, दोनों साइड से। और ये हमने कब तक करना है, जब तक हमारी बीच में 6 निडल नहीं बच जाती। ध्यान ये रखिएगा कि जिधर आपका कैरी जा रहा है आपको उधर की ही निडल आगे करनी है। ये देखिए, अब आप देख सकते हैं 3 और 3, 6 निडल हमारी पीछे बच गई हैं। तो अब हमने क्या करना है, अब कैरिज इधर है तो हमने अपोजिट साइड का एक निडल पीछे कर लेना है, फिर इधर से अपोजिट साइड का। ध्यान से देखिएगा, पहले हमने सेम साइड का निडल आगे किया, अब हम अपोजिट साइड का एक ही निडल पीछे को करते जाएंगे। कब तक, जब तक हमारे फंदे बराबर में नहीं आ जाते हैं। अब आप देख सकते हैं ये हमारी एड़ी आ गई है, ये देखिए, ये एड़ी निकल गई हमारी। और ये देखिए, ये हमारी एड़ी बन चुकी है। और अब हमारे ये सब फंदे हम पीछे कर लेंगे बराबर में। तो अब हम एक प्लेन सिलाई चलाएंगे। देखिए, हमने अपना सॉक्स यहाँ तक बना लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमने क्या करना है, यहाँ तक का ये प्लेन भी बना लेना है।
देखिए हमारी लेंथ कंप्लीट हो चुकी है। और अब हमने जिधर एड़ी निकाली है उसके हमने अपोजिट साइड को, जैसे एड़ी हमने यहाँ निकाली, अब हमने यहाँ ऊपर आगे अपने थंब के लिए भी, जो हमारे अंगूठे होते हैं उनके लिए हमने बनाना है पैर के अंगूठों के लिए। तो हम क्या करेंगे, इधर की आप 0 से 20 तक की सिलाइयाँ आगे कर लेंगे, फिर वही हमारे कैरिज के दोनों हुक पीछे, और जिस साइड को हमारा कैरिज जाएगा उधर का हमने एक एक निडल आगे कर लेना है, और अपना वेट आप ऊपर लगा लें। बहुत ही सिंपल है दोस्तों बनाना। और अब जैसे कि सर्दियां आने वाली है, बरसात शुरू हो गई है, तो आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा। ऐसे ही हमने एक एक करके अपने सारे निडल बना लेने हैं, कब तक, जब तक सेम हमारे 6 फंदे बीच में नहीं रह जाते हैं तब तक हम अपने फंदे बनाते रहेंगे। अब देखिए फिर हमारे 6 फंदे बीच में हो चुके हैं, और अब हमें अपोजिट साइड का एक एक फंदा पीछे को कर देना है। अपोजिट साइड का अब हमारे जैसे सारे फंदे बन चुके हैं, तो हमने क्या करना है, एक ये हुक आगे कर लेंगे और एक प्लेन सिलाई चला लेंगे। अब हमने क्या करना है, देखिए हमने अब अपने सारे फंदे उतार लेने हैं। ये देखिए फंदे कैसे उतारते हैं, ऐसे ही हमने अपने सारे फंदे उतार लेने हैं, और मैं आपको सारे फंदे निकाल के दिखाती हूँ। देखिए मैंने अपना ये उतार दिया है, ये कैसे बना है। अब हमने इसे ऐसे यहाँ ऐसे सिल देंगे, और इसको भी हम ऐसे जॉइन कर देंगे। देखिए हमने अपने दोनों सॉक्स सिल दिए हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।